नमस्कार, मैं प्रिया। आज 20 अक्टूबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईबीपीएस पीओ भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार के हर शहर में बनेगी जैविक खाद। बिहार के हर प्रखंड में अनाज रखने के लिए होगी खास व्यवस्था। पटना में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी आएंगे बिहार। बिहार के नौजवानों को मिलेगी विधानसभा लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबीपीएस पीओ भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल मिलाकर 4,135 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 10 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। चौथे चरण को लेकर सुरक्षा हुई चाक चौबंद। बिहार पंचायत चुनाव का आयोजन इन दिनों लगातार किया जा रहा है। वहीं आज चौथे चरण के तहत मतदान करवाया जाना है। इसी बीच चौथे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से तमाम सुरक्षा संबंधी काम किए जा चुके हैं, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मतदान केंद्रों से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और सुरक्षा के तमाम प्रबंध भी किए गए हैं। इसको लेकर मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस होमगार्ड और बिहार सशस्त्र पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एडीजी मुख्यालय ने आदेश दिया है कि प्रखंडों में मजिस्ट्रेट के माध्यम से पेट्रोलिंग भी करवाई जाए, ताकि लोग भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कर सके। बिहार के नालंदा जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकर महावीर ने यहां 14 मॉनसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सोंग ने यहां का दौरा किया और यहां कम से कम वो 2 साल तक रहे। यहां तक कि इस स्थान की महिमा ऐसी है कि एक अन्य प्रसिद्ध चीनी यात्री आयत सिंह नालंदा में लगभग 10 साल तक रहे थे। आज नालंदा के अधिकांश हिस्से खंडहर में पड़े हैं, लेकिन यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है, जिसके तहत अगर आप जब भी नालंदा जिला जाएं तो इन स्थलों का भ्रमण जरूर करें। राष्ट्रपति के आगमन पर पटना की 8 सड़कों पर रहेगी नो एंट्री। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बिहार आ रहे हैं। साथ ही पटना की 8 सड़कों पर कल राष्ट्रपति के आगमन तक नो एंट्री जोन बना दिया गया है। आर ब्लॉक फ्लाईओवर से होर्डिंग रोड की तरफ वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। आर ब्लॉक फ्लाईओवर के नीचे से भी होर्डिंग रोड की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। मैंगल्स रोड सचिवालय तालाब के बगल से होर्डिंग रोड की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। विधानसभा पूर्वी गेट शहीद स्मारक से मैंगल्स रोड दरोगा प्रसाद रायमूर्ति की तरफ भी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। भिखारी ठाकुर पुल की तरफ चितकोरा से वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। गर्दनीबाग होर्डिंग रोड फ्लाईओवर के नीचे वाले वाहन सचिवालय गेट नंबर 1, नगर निगम कार्यालय और शहीद स्मारक की तरफ से कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे। गर्दनीबाग की तरफ से हार्डिंग रोड की ओर किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होगा। चितकोरा पुल के नीचे से हज भवन के बीच सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मौसम का हाल। बिहार के कई हिस्सों में बीते दिन झमाझम बारिश होती रही और आज भी कई हिस्से में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से के साथ ही पश्चिम बंगाल से होते हुए ओडिशा तक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव बिहार के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दे रहा है। इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से तेज हवा, वज्रपात के साथ ही कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बिहार में मौसम के ऐसे ही बने रहने का अलर्ट जारी किया है। इस 21 अक्टूबर के बाद मौसम फिर से शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं आज के लिए सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, पूर्णिया सहित राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा, वज्रपात के साथ भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। ग्रामीण बैंक कर्मियों की सेवा शर्त में होगा संशोधन। बिहार में अब ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। हालांकि अब तक समझौते का लाभ ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को आधा अधूरा ही मिलता रहा था। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही संपूर्ण लाभ के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब उनकी मांग पूरी हो गई है। ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के संयोजक डीएनए त्रिवेदी ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि नई पहल के तहत द्विपक्षीय समझौते में अवकाश के नियम में हुए परिवर्तन, फैमिली पेंशन में वृद्धि, अन्य भत्तों में हुए संशोधन अब ग्रामीण बैंकों में भी लागू होंगे।
बिहार के हर शहर में बनेगी जैविक खाद। बिहार के हर शहर में अब जैविक खाद बनने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बिहार में जल्द ही मुफ्त में कच्चा माल मिलने वाला है। इसको लेकर सरकार ने भी खास योजना बना ली है, जिसके तहत अब नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरों से निकलने वाले कचरे से अधिक जैविक खाद और कंपोस्ट बनाने का निर्देश सभी शहरी निकायों के अफसरों को दे दिया है। साथ ही कचरे से बनी खाद की बिक्री के लिए अपने अपने जिले के कृषि पदाधिकारियों से संपर्क करने को भी कहा है। इसका इस्तेमाल खेती किसानों के लिए किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि सरकार ने शहरी निकायों को राज्य की कुल जरूरत का कम से कम 50% जैविक खाद का उत्पादन करने को कहा है। बिहार के हर प्रखंड में अनाज रखने के लिए होगी खास व्यवस्था। बिहार के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में हर साल हजारों टन अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार कनाडा की साइलो तकनीक के आधार पर स्टील के नए भंडार गृह का निर्माण करने जा रही है। स्टील से बने गोदाम या भंडार कक्ष में खाद्यान्न लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। राज्य सरकार की पहल पर अगर ये रंग लाई तो प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के भंडार कक्ष अगले 3 साल में तैयार हो जाएंगे। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का साइलो बनाने का प्रस्ताव है। फिलहाल केंद्र सरकार ने बक्सर और कैमूर में साइलो गोदाम बनाने पर सहमति दी है। परीक्षा का आयोजन की आई संभावित तारीख। अगर आप भी सीटीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख तय कर दी है, जिसके तहत ये परीक्षा अब 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच में आयोजित करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, परीक्षा को लेकर लेह में उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और परीक्षा शहर से बनाया गया है, जिसके तहत ही अब वैसे उम्मीदवार जो पहले ही सीटीईटी दिसंबर 2021 के लिए आवेदन कर चुके हैं और अपना शहर बदलना चाहते हैं या ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना विवरण में कोई सुधार करना चाहते हैं तो वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सुधार करवा सकते हैं। पटना में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में करवाया जाना है। इसका आयोजन 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक करवाया जाएगा, जिसमें 8 राज्यों के 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी मुख्य अतिथि होंगी। ज्ञात हो, विजेता को स्वर्ण पदक के साथ 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं प्रथम उपविजेता को 11,000 रुपए और रजत पदक दिया जाएगा। बिहार के नौजवानों को मिलेगी विधानसभा लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधा। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष पर बिहार के नौजवानों और आम लोगों को भी तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके तहत अब बिहार के युवाओं को यहां की लाइब्रेरी में जाकर जानकारी लेने और ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शताब्दी समारोह को लेकर यह फैसला किया गया है कि हम नौजवानों के लिए विधानसभा लाइब्रेरी के द्वार को खोल देंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की लाइब्रेरी का उपयोग अब तक माननीय सदस्य ही करते हैं। इसके साथ ही इस दौरान लाइब्रेरी समेत विधानसभा के तमाम डॉक्यूमेंट को डिजिटल भी किया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में छोटे और ऑनलाइन कोर्स होंगे शुरू। बिहार के विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जल्द ही शुरू होने वाली है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को छोटे और ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की तैयारी करने को कहा है। UGC ने इसको लेकर सभी विश्वविद्यालयों को पहले ही निर्देश जारी कर दिया था। जारी किए गए निर्देश के मुताबिक सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स, सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ असिस्टेंट कोर्स 6 महीने के होंगे। इसी तरह BBA, BCA और टूरिज्म आदि कोर्स अब ऑनलाइन पढ़ाई के दायरे में होंगे। इसके साथ ही रोजगार परक छोटे पाठ्यक्रम को प्रमुखता से लागू कराने का भी आदेश जारी किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के नए कॉलेज में इस सत्र से पढ़ाई पर असमंजस की स्थिति बरकरार। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में इस सत्र में पढ़ाई शुरू होगी या नहीं, इसको लेकर अभी से ही असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद सत्र शुरू होने को लेकर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो नामांकन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी जाएगी और पढ़ाई शुरू हो सकेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि BAU के अंतर्गत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आरा, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मीठापुर पटना में 60-60 सीटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन्हीं कॉलेज में नामांकन के लिए सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है।
पंचायत चुनाव के कारण नहीं होगी अभी शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर इस बार अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि शायद कुछ उम्मीद की किरण अब दिखाई देने वाली है, लेकिन पंचायत चुनाव नाम का बादल अभ्यर्थियों की उम्मीद की किरण पर हावी हो गया और नतीजतन एक बार फिर से बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रुक गई है। विभागीय जानकारों की माने तो पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने पर रोकने की बात कही है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग की तरफ से असहमति व्यक्त की गई है। ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से माध्यमिक शिक्षक निदेशक ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हुए शिक्षक बहाली के लिए नियोजन प्रक्रिया को अनुमति देने का आग्रह किया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अमरेंद्र प्रताप ने जारी किया आदेश। बिहार के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने हाल ही में नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन कृषि विभाग द्वारा रबी महाअभियान सह राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2021 कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार की सरकार कृषकों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए कई योजनाओं को सफलतापूर्वक चला रही है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए प्रखंड से पंचायत और जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाएं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिट्टी की उर्वर शक्ति, स्वच्छ जल और पर्यावरण के प्रति काफी सजग रहते हैं। इसी का परिणाम है कि आज राज्य में जल जीवन हरियाली, जैविक कॉरिडोर और फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। पटना के युवक के कहने पर अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने विचारों को खुलकर साझा करते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने हाल ही में दशहरा के मौके पर किया था, जिसको लेकर माल सलामी नंदगोला के रहने वाले राजेश कुमार और बिग बी अमिताभ बच्चन के बीच इंटरनेट मीडिया पर फेसबुक चैट तेजी से वायरल हो रही है। इस चैट में राजेश पांडे ने बिग बी का दशहरा और पेशेवर अशुद्ध लिखने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। महानायक ने जवाब में आभार प्रकट करते हुए माफी मांगी है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, आगे सुधार करूंगा। आपको बता दें अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पोस्ट संख्या 3092 पर दशहरा को दशहरा। जल्द ही होगी राजस्व कर्मचारी और अमीनों की बहाली। बिहार में जल्द ही राजस्व कर्मचारी और अमीनों की बहाली होने वाली है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने दे दी है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने बिहार को साल 2020-21 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित कर दिया है। इसको लेकर मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि एक साल में 23वें से 8वें स्थान पर हम आगे हैं, गर्व का विषय है, लेकिन असली खुशी तब होगी जब आम लोगों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों को संरक्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश से हमें सीखने की जरूरत है। यही कारण है कि उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही बिहार में राजस्व कर्मचारी और अमीनों की बहाली होने वाली है। बेमौसम बरसात के कारण अन्नदाताओं पर दोहरी मार। बिहार में मॉनसून ने भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन बारिश एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा होते ही रहने वाला है। हालांकि इन सबके बीच जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ बेमौसम बरसात के कारण अन्नदाताओं को दोहरी मार पड़ी है। मॉनसून के दौरान जरूरत से ज्यादा बारिश होने से बड़े पैमाने पर खेती तो प्रभावित हुई ही थी, बाद में गंगा नदी और अन्य नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से जिले के हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। कृषि समन्वयक भरत भूषण ने कहा है कि बिन मौसम हो रही बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन प्रकृति के आगे हर कोई लाचार है। उपचुनाव में तेजस्वी ने राजद के जीत की कही बात, साथ ही सरकार भी बनाने की पुष्टि। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार में तैयारियां जारी हैं। इसी बीच उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने नया दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने मुंगेर के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन संग्रामपुर प्रखंड में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में महज 12,000 वोट मिलते तो आज सूबे में राजद की सरकार होती। इसके साथ ही तेजस्वी ने सृजन घोटाले पर सरकार को घेरा है और कहा कि जिले से लेकर प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। यादव के मछली मारने पर ललन सिंह ने कसा तंज। इन दिनों सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मछली मारने वाली तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसके बाद अब ये तस्वीर सरकार की आंख में भी चुभने लगी है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की इस तस्वीर को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तंज कसा है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इससे तेजस्वी के आत्मविश्वास का पता चलता है। भला चुनाव के दौरान कोई मछली मारता है क्या? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मछली मारे उसके आत्मविश्वास के स्तर को आसानी से समझा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मछली पकड़ी भी तो कौन सी, पोठिया।
मंत्री सम्राट चौधरी के भाई के जदयू में शामिल होने से तारापुर में मजबूत स्थिति में जदयू। भाजपा के नेता और सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने बीते दिन जदयू का दामन थाम लिया है, जिससे जदयू को यकीनन आने वाले समय में काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रोहित चौधरी दिग्गज राजनेता शकुनी चौधरी के पुत्र है और राजनीतिक जानकार भी इस बात से वाकिफ है कि उनके परिवार की मुंगेर की राजनीति में कितना अहम भूमिका रहा है। ऐसे में जानकार इसे बिहार की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि शकुनी चौधरी की तारापुर में गहरी पकड़ है और उनकी मर्जी से वोटर अपना मिजाज भी बदलते हैं, जिससे जदयू को मुंगेर जिले के तारापुर सीट पर फायदा होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। अफगान लेग स्पिनर राशिद खान ने T20 में शामिल स्पिनरों को लेकर कही अहम बात। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान को भरोसा है कि T20 वर्ल्ड कप में भी स्पिन गेंदबाजों का ही बोलबाला रहने वाला है। अफगानिस्तान के लिए दूसरा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे राशिद ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के इन तीनों ही स्थानों की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मुफीद रहेगी। IPL में राशिद की टीम सनराइजर हैदराबाद अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी, लेकिन गेंद के साथ राशिद का प्रदर्शन अच्छा रहा था। युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती के साथ संयुक्त तौर पर राशिद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर रहे थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कोलकाता में 1774 में भारत की राजधानी बनी थी। अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। कश्मीर में 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 1962 को आज के दिन युद्ध हुआ था। पाकिस्तान ने इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया था। भारत के उत्तरकाशी में 1991 को 6.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 2015 को 37 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने की घोषणा आज के दिन की थी। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का जन्म भी 1978 में आज के दिन हुआ था। भारत के क्रांतिकारियों में से एक HC दासप्पा का निधन 1964 में आज के दिन हुआ था। भारी पड़ सकता है टेलीग्राम। व्हाट्सएप बीते कई दिनों से लगातार विवादों में घिरा रहा है। हालांकि अभी भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले यूजर की संख्या में तो कोई कमी नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में व्हाट्सएप के वर्चस्व को खतरे में बताया जा रहा है, क्योंकि पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस टेलीग्राम ने गूगल प्ले स्टोर पर 1 बिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। टेलीग्राम ऐप के डाउनलोड में आया यह उछाल व्हाट्सएप के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है। स्टेटिस्टा के अनुसार अब टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी में बढ़ रही है और मार्च और अप्रैल 2021 में दुनिया भर में 32 मिलियन और 26 मिलियन इंस्टॉल इसे किया गया है, जिससे व्हाट्सएप ज्यादा चिंतित हो रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,630 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,860 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 109.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल 101.21 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू पंडित, रणधीर कुमार, अनिल कुमार, राजेश सोंथियाल, हिमांशु कुमार, रंजय कुमार, गोविंद यादव, करण कुमार राम, अमित कुमार, गोविंद कुमार, गौतम कुमार, रणधीर कुमार, धर्मपाल कुमार, श्याम कुमार, सकल देव पोद्दार, संजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार विधानसभा उपचुनाव में कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटेल के आने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।